हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक सनस्क्रीन का रिव्यू, एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको, एंड ये है 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल। यू कैन इमेजिन, इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को मैं 2 सालों से यूज कर रही हूँ। दिस इज माई सेकेंड बॉटल, एंड पता नहीं यार क्यों मतलब इतना डिले हो गया, या मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैंने इसका रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, डिटेल रिव्यू वीडियो। बट जब आप मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे हैं ना, लाइक मैंने ना डर्माको के 2 सनस्क्रीन का कंपैरिजन किया था, एक तो ये था और एक जो इनका हाइलुरोनिक एसिड जो जेल बेस में आता है वो था। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप बोल रहे हो कि इनका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बट एक सनस्क्रीन का है और ये जो टिंटेड वाला सनस्क्रीन है इसका डिटेल रिव्यू वीडियो आपके चैनल पे नहीं है। तो मैंने थोड़ा देखा, अपने चैनल को गो थ्रू किया और लिटरली मेरे चैनल पे इसका रिव्यू वीडियो नहीं था। सो मुझे लगा कि अभी लेट हो गया है, बट कोई ना, ऑडियंस अगर देखना चाहती है, वो कंपैरिजन देख रही है, उनको डिटेल में देखना है इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के बारे में, तो इस पे डिटेल रिव्यू वीडियो बना लिया जाए। एंड यस, इसको मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, तो अभी मैं बहुत अच्छे से आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। एंड चलो पहले इसकी पैकेजिंग एंड ऑल देख लेते हैं। सो मेरे पास कार्डबोर्ड तो नहीं है इसका, सो ये जो पर्टिकुलर बॉटल है इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज द 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन, एंड इसकी हालत से आप देख सकते हो कि ये मेरा एम्प्टी कंटेनर है, थोड़ा सा बचा होगा प्रोडक्ट। एंड यस, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, दैट मींस कि ये यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डी ऑक्साइड है, जो एज अ फिल्टर की तरह आपकी स्किन को जो सन की रेज है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। एंड यस, इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है, दैट मींस कि बहुत सफिशियंट क्वांटिटी है, और हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन पे ना मॉइस्चर को लॉक करता है। तो ये मतलब ऐसा है कि आपकी स्किन को ऐसा ड्राई वगैरह नहीं बनाएगा, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे सटल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। एंड यस, SPF 60 है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड PA++++ है, 4 times+ है, तो काफ़ी अच्छा होता है। जो PA रेटिंग होती है ना, जितनी ज़्यादा होगी ना उस पर्टिकुलर सनस्क्रीन की, वो उतना ही अच्छा आपकी स्किन पे काम करेगा। क्विक एब्जॉर्बिंग फार्मूला है एंड फ्रेगनेंस फ्री है। एंड प्राइस की अगर बात करें तो आई थिंक इसकी प्राइस ना यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, मिट गया है, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। आई थिंक ये 700 something का कुछ है, बट मैंने अमेजोन से बाय किया है तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे मुझे मिला है। एंड यस, इसके अंदर सल्फेट नहीं है, डाई नहीं है, पैराबेन एंड मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं है। एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डी ऑक्साइड है, बाकी इसके अंदर 1-2 ह्यूमेक्टेंट्स भी डाले हुए हैं, एंड 1-2 एंटीऑक्सीडेंट भी है, बाकी इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। तो यस, दिस इज द ओवरऑल पैकेजिंग, एंड अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। लुक एट दिस। सो ये थोड़ा सा सिलिकॉन टेक्सचर के अंदर आता है, और आप देख सकते हो हल्का सा टिंट है, मतलब आपको कलर से ही पता चल रहा होगा। सो हल्का सा इसके अंदर पीची पिंक टाइप का टोन है, और जब आप इसको मेल्ट करोगे ना, लुक एट दिस, बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर ऐसे मक्खन की तरह पिघलता है, इतना अच्छा इसका फॉर्मूला है। और साथ ही साथ में आप देखो, मतलब एकदम फिनिश लुक आएगी, और एज ए टिंट की तरह आपकी स्किन पे काम करेगा। सो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, नॉर्मल आपको अपनी स्किन को लाइक लिटरली गर्मियों में मेकअप करना ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, डे टाइम में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो जनरली मैं क्या करती हूँ, जब भी डे टाइम में मुझे कहीं आउटिंग पे जाना है, अगर मुझे एक्ने स्कार्स वगैरह है तो मैं उनको कंसील कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं नॉर्मली ये टिंट वाला सनस्क्रीन लगाती हूँ, ताकि ये मेरे स्किन पे एज ए टिंट की तरह भी काम करे और सन की रेज से भी प्रोटेक्ट करे। SPF 60 है इसके अंदर, तो गर्मियों में मुझे ये परफेक्ट लगता है यूज़ करना। एंड उसके बाद आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट वगैरह लगाओ एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब काफ़ी अच्छी प्यारी फिनिश लुक ये आपकी स्किन को देता है, और लिटरली मतलब डेली अगर आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, आपको मेकअप नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो फॉर्मूला है वो सिलिकॉन टेक्सचर के अंदर है, दैट मींस कि आपकी स्किन को ना लाइक ऐसे चिपचिपापन या ऐसे नहीं बनाता, और व्हाइट कास्ट तो यार गाइस बिल्कुल नहीं छोड़ता है। यस, इसके अंदर जो टिंट है ना थोड़ा सा, उसकी वजह से आपकी स्किन पे थोड़ा सा पिंकिश लुक आता है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये व्हाइट कास्ट है। नो, अगर आपका स्किन टाइप थोड़ा सा डार्क में है, मतलब आप थोड़ा सा मीडियम से डार्क की तरफ हो, तो आपको थोड़ा सा ये व्हाइटिश लगेगा आपके फेस पे कि यार ये व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है। बट अगर आपका स्किन मीडियम टू फेयर में है और आपका येलो अंडरटोन है, तो ये आपकी स्किन के लिए परफेक्ट काम करेगा। एंड गाइस, ट्रस्ट में, मैंने इसके अलावा 3 से 4 ब्रांड के टिंटेड सनस्क्रीन यूज किए। इनफैक्ट डर्माको का भी एक नया लॉन्च हुआ है टिंटेड सनस्क्रीन, वो भी मैंने ट्राई किया है।
वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा ऑयली स्किन के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। इतनी प्यारी ये फिनिश लुक देता है, बिल्कुल भी ग्रीजी या ऑयली नहीं लगता फेस। इनफैक्ट 3 से 4 घंटे आपके फेस पे बहुत सटल लुक आएगा, स्वेट प्रूफ रहेगा, बिल्कुल भी ऐसे ऑयली या ग्रीजीनेस नहीं प्रोवाइड करेगा फेस पे। सो यस, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक अच्छा सा टिंट वाला सनस्क्रीन आप ढूंढ रहे हो जिसको आप दिन भर लगा के रख सको, आपको मेकअप की जरूरत ना हो, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट गाइज। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो इनकेस अगर आपको बाय करना है तो उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। बट दिस इज एब्सोल्यूट माय फेवरेट, 2 सालों से मैं यूज कर रही हूँ। यस, थोड़ा सा रिग्रेट है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना यूज करने के बाद भी मैं इतना लेट इसका रिव्यू कर रही हूँ, बट वर्थ प्रोडक्ट है, एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, फैन हो जाओगे आप इसके। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स तो है, लिख दीजिएगा, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।